हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं एल के खत्री एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आज के वीडियो का पर्पस क्लियर करना चाहूँगा। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड 10th प्रोबेबिलिटी में सम नंबर 8 से, एक्सरसाइज 15.1 का सम नंबर 8 से, क्योंकि सम नंबर 7 तक हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैं पूरे फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे दी हैं। फिर भी अपने जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। स्टूडेंट्स याद है, ये चैप्टर सिर्फ 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी का, अगर मैं पूछूं फॉर्मूला, तो इट वॉज PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके अपॉन में टोटल जितने आउटकम्स हैं। सेकंड था कि इवेंट्स दो टाइप है, या तो सर्टेन इवेंट्स या तो अनसर्टेन, यानी पॉसिबल या इम्पॉसिबल। पॉसिबल है तो उसका 1 होगा, इम्पॉसिबल है तो 0 होगा। नेक्स्ट जो था, हमने सीखा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 या तो 1 या 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इट मीन्स PE ग्रेटर देन इक्वल टू PE- ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो और लास्ट एक फॉर्मूला था PA+PA- = 1। तो इन 5 चीज़ों पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। नाउ वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आसान नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर 8 कुछ इस तरह से है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 लाल कलर के बॉल हैं और 5 काले कलर के। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से रैंडमली कोई भी एक बॉल निकाला जा रहा है। अब आप बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, नंबर 1 क्वेश्चन रेड, नंबर 2 क्वेश्चन नॉट रेड। यहां पे हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं कि जब आप बॉल निकाल रहे हैं तो मुझे अनुमान लगाइए, बताइए कि पहला कि वो लाल कलर बॉल निकलेगा, दूसरा वो लाल कलर नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टोटल आउटकम कितना होगा, सो टोटल आउटकम वही होगा बैग में जितने बॉल्स होंगे। तो लाल कलर के 3 प्लस काले कलर के 5, तो टोटल हो गए 8, यानी हमारा टोटल आउटकम हो गया 8। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, लेट द इवेंट ए इज दैट बॉल टेकन आउट इज रेड। लाल कलर ही होना चाहिए, अब उसमें लाल कलर के बॉल ही कितने, 3। टोटल आउटकम कितना है, 8। तो व्हाट विल बी द आंसर, यस 3/8। PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3/8। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन लूं, वो था कि लाल कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। अब लाल कलर का नहीं होना चाहिए तो कौन सा होगा, अब बैग में लाल के अलावा कौन सा कलर है, यस ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के कितने बॉल्स हैं, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/8। लेट सी कैसे। लेट द इवेंट बी इज दैट बॉल टेकन आउट इज नॉट रेड, इट मींस द बॉल टेकन आउट इज अ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल कितने थे, मैंने पहले ही बताया 5। सो PB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो इज इक्वल्स टू 5/8। आवर आंसर कंप्लीट, इट्स इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है उसमें कुछ कंचे हैं, मार्बल्स जो हम बोलते हैं, उनमें से 5 लाल कलर के हैं, 8 सफेद कलर के हैं और 4 हरे कलर के हैं, यानी ग्रीन कलर के हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। फिर से बॉक्स में से कोई भी मैं एक क्या निकाल रहा हूं, मार्बल निकाल रहा हूं बिना देखे रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब यहां पे फिर से प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कि रेड कलर का निकलेगा, सेकंड इज व्हाइट कलर, थर्ड इज नॉट ग्रीन। फर्स्ट और सेकंड तो आप इजीली समझ गए होंगे, कैसे तो देखते हैं।
सबसे पहले हम हमेशा हर सम में क्या निकालते हैं, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या होगा, जितने मार्बल्स होंगे बॉक्स में, तो 5 + 8 + 4 = 17। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द इवेंट ए इज द मार्बल टेकन आउट इज रेड। अब उसमें लाल कलर का ही होना चाहिए। स्टूडेंट्स, लाल कलर वाले कितने हैं? यस, 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/17, बिकॉज पी ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल्स टू 5/17। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, लेट द इवेंट बी इज दैट मार्बल टेकन आउट इज वाइट। अब वाइट कलर वाले मार्बल्स कितने हैं? यस, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज 8/17। PB is equal to number of white marbles upon total number of marbles is equal to 8/17। कई बच्चे हंस रहे हैं, सर अब तो बहुत ईजी लगने लगा है चैप्टर। यस, इसीलिए मैंने कहा था इस चैप्टर को मैंने सिलेक्ट किया, अगर बच्चा थोड़ा भी ध्यान देगा तो इसे चैप्टर आने भी लगेगा और इंटरेस्ट भी पैदा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका क्या था, ये थोड़ा सा समझने जैसा है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा न्यू है। लेट द इवेंट सी इज That marbles taken out is not green, मतलब green नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करते हैं, green कलर का बस green देख के और green का mention कर देते हैं, भाई green में कितने थे, 4, तो 4/17 answer लिख देते। No, उन्होंने कहा है not green, not green मतलब yes, red हो सकता है और white हो सकता है। अब red कितने हैं, 5, और white कितने हैं, 8, तो total कितना हुआ, 13। तो यहाँ पे मेरा answer आएगा 13/17। PC, probability of C is equals to number of red and white marbles upon total number of marbles is equals to 13/17। सम नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया उसमें, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के सिक्के 100 हैं, 51 पैसा कॉइन 1 रुपए के सिक्के 50 हैं, 22 रुपीज कॉइन 2 रुपए के सिक्के 20 हैं, एंड 10 5 रुपीज कॉइन 5 रुपए के सिक्के कितने 10। इफ इट इज इक्वली लाइकली डैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, नंबर 1 क्वेश्चन, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। अब यहां पे बोल क्या रहा है कि पिगी बैंक को मैंने लिया और उसको उल्टा किया, अब जब आप उसको उल्टा करेंगे तो सिक्के बाहर आएंगे। यस, सिक्के बाहर आएंगे, तो उसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि वो 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यस, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम वहाँ पे निकालें तो टोटल नंबर ऑफ हमारा आउटकम्स क्या होगा, तो 100 सिक्के 50 पैसे वाले, 50 सिक्के 1 रुपए वाले, 20 सिक्के 2 रुपए वाले और 10 सिक्के 5 रुपए वाले, तो टोटल सिक्के कितने हो गए, 180 सिक्के, यानी कि टोटल हमारा जो आउटकम है वो है 180। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉइन फॉल, जब मैंने पिगी बैंक को उल्टा किया तो उसमें से सिक्का निकला 50 पैसे का, और 50 पैसे वाले कितने, 100। यस, 100/150। अब मैं इसका रिड्यूस फॉर्म करूं, यानी मैं इसको काटूं टेबल से, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 5/9। नेक्स्ट, लेट द इवेंट बी, अब उसमें दूसरा क्वेश्चन बोलता है दैट कॉइन फॉल आउट इज नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, यानी वापस मैंने पिगी बैंक को उल्टा किया, 5 रुपए का सिक्का बाहर नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा, अब 5 रुपए का सिक्का बाहर नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, या तो 50 पैसे का आएगा, या तो 1 रुपए का आएगा, या तो 2 रुपए का आएगा, उन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल, तो 100 + 50 + 20 = 170, यानी मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यस, 170/180। पीबी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ 50 पैसा 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि 170/180, रिड्यूस फॉर्म में करूंगा, 0 0 कट, तो क्या हो जाएगा, 17/18। यस, नेक्स्ट सम नंबर 11, इज गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, उसके एक्वेरियम के लिए उसने एक फिश बाय किया, द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक, शॉपकीपर क्या करेगा, टैंक में से रैंडमली निकालेगा, 5 male fish and 8 female fish,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. अब उस एक्वेरियम में दुकानदार के पास जो टैंक था उसमें 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थे. जब वो गोपी को फिश दे रहा है तो उसमें से कितने चांसेस हैं कि वो मेल फिश हो. अब सबसे पहले टोटल आउटकम क्या होगा, तो मेल प्लस फीमेल यानी 5 + 8 यानी कि 13. गोपी को जब वो शॉपकीपर फिश निकाल के दे रहा है तो क्या पूछ रहा है कि मेल फिश होना चाहिए. अब हमारे पास मेल कितने, तो 5. यस आर आंसर विल बी 5/13. पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस, दैट्स व्हाई द आंसर इज 5/13. 12th नंबर सम. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स. कई बार हमने स्पिनिंग वाली गेम खेली है, कई बार मोबाइल्स में गेम खेलते हैं उसमें भी स्पिनर्स होते हैं, हम घुमाते हैं और कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 नंबर ही मेंशंस किए गए हैं, आप फिगर में देख सकते हैं. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जो वो स्पिनर है उसमें कुछ तरह की सेटिंग नहीं है कि 6 पे आके रुकेगा ही, 5 पे आके रुकेगा ही. लाइकली आउटकम्स यानी वही जिससे हमने पहले भी कहा था कि फेयर जो चीज़ होती है कि कुछ भी आ सकता है. डेट डिपेंड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल पॉइंट एट. अब पहला क्वेश्चन है कि वो 8 पे आके रुके, दूसरा ऑड नंबर हो, तीसरा क्वेश्चन ग्रेटर देन 2 हो माना 2 से बड़ा नंबर हो, एंड चौथा क्वेश्चन नंबर लेस देन 9 यानी 9 से छोटा होना चाहिए. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, यस ऑफ कोर्स 8 क्योंकि 8 ही नंबर है. पहला क्वेश्चन में लें जिसमें लिखा हुआ है कि एरो पॉइंट विल ऑन नंबर 8 यानी 8 पे ही रुकना चाहिए. अब उस स्पिनर में 8 कितनी बार है, एक ही बार, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 सिंपल. सेकंड क्वेश्चन लें तो वो क्या बोलता है उसमें, दैट द एरो पॉइंट विल ऑन ऑड नंबर्स. अब मैं आपसे इसमें पूछूं तो 1 to 8 में ऑड नंबर्स कौन से होंगे, यस 1, 3, 5, 7. मैंने वहां पे ड्रॉ भी किए हुए हैं आपके लोगों के लिए, देख रहे हैं आपको एरोज बनाए हुए हैं स्पिनर के अंदर. तो यानी कि हमारे आउटकम्स आने के चांसेस कितने, 4 नंबर्स में से कोई एक. तो दैट्स वाई माई आंसर विल बी 4/8. जब 4/8 को मैं रिड्यूस करूंगा यानी काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 1s, 4 2s, माई आंसर विल बी 1/2. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, दैट द एरो पॉइंट विल ऑन नंबर ग्रेटर देन 2. अब 1 से 8 तक में अगर मैं बात करूं तो 2 से बड़े नंबर्स कौन से हैं, यस ऑफकोर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8. डायग्राम में एरोज लगे हुए हैं ग्रीन कलर से. तो अब यहां पर मेरे फेवरेबल आउटकम्स यानी आंसर आने वाले चांसेस कितने हो गए, 6. 6 में से कोई भी आ सकता है. तो 6/8, 6/8 इज माय आंसर. इसको मैं रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो इट विल बी 3/4. फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखें तो क्या पूछ रहा है, दैट द एरो पॉइंट विल ऑन नंबर लेस देन 9. अब 9 से छोटे कौन से हैं, तो 8 तक, यानी सारे नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कोई भी आ सकता है. और टोटल भी हमारे आउटकम्स कितने, 8. तो 8/8 यानी 1. अब इस 1 को हम क्या बोलते हैं, यस इट्स अ सर्टेन इवेंट, फिक्स था वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नंबर 13. अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. हम डाइस चला रहे हैं उसमें वो पूछ रहा है कि पहला प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है कि नंबर 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन है ऑड नंबर होना चाहिए. अब सबसे पहला अगर मैं देखूं तो डाइस पे कितने होते हैं, 6 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 डायग्राम में आपके सामने है. तो यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6. ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग अ प्राइम नंबर. नाउ व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अगर 1 से 6 तक के बीच में प्राइम नंबर देखूं तो कौन से हैं, 2, 3, 5 प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के और 1 की टेबल में आते हैं. तो यहाँ पे 3 मेरे पास ऑप्शन हुए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3. टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6. तो माय आंसर इज 3/6. जब मैं इसका रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो इट विल बी 1/2. सेकंड क्वेश्चन है, इवेंट बी इज गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में. तो 2 और 6 के बीच में मेरा क्या आंसर आ सकता है, यस ऑफ कोर्स 3, 4 या 5. अब 3, 4, 5 मतलब कितने ऑप्शन हुए, 3. यानी मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 3 और टोटल आउटकम कितना है, 6.
तो वंस अगेन 3/6 उसका रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो इट विल बी 1/2। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन है गेटिंग एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर 1 से लेके 6 तक में ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3 और 5। वंस अगेन 3 मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं तो क्या हो जाएगा 3/6। अब 3/6 को फिर से रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो इट विल बी 1/2। सो उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे सम समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। नाउ सम नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते के पूरे जो होते हैं कार्ड्स, अगर उसमें से मैं अच्छी तरह से शफल कर लूं, उनको मिक्स कर लूं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्वेश्चन है किंग ऑफ रेड कलर, सेकंड है फेस कार्ड, थर्ड है अ रेड फेस कार्ड, फोर्थ है जैक ऑफ हार्ट, एंड फिफ्थ है अ स्पैड, एंड सिक्स्थ है अ क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये सारे 6 के 6 सवालों का जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आप को कार्ड्स के बारे में पता हो। तो हम पहले कार्ड्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपके सामने पूरे कार्ड्स का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स देखें तो कितने टाइप्स के अंदर कार्ड्स होते हैं, तो 4 टाइप के, हमें 4 सूट्स बोलते हैं उन्हें, और पत्ते होते हैं 52 यानी कि 52। तो वो हो गया हमारा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो हमें पता चल गया 52 होता है। नाउ इसमें से जो मैंने सूट्स की बात की, 4 अलग अलग टाइप के जो होते हैं, उनमें से 2 टाइप ब्लैक के होते हैं, 2 टाइप रेड के होते हैं। मैंने वहां पे डायग्राम में आप देखेंगे तो ब्लैक में लिखा हुआ है एक एक क्लब, दूसरा है स्पैड, रेड में 2 हैं, उनमें से एक है हार्ट और एक है डायमंड। आप शेप्स को ध्यान से देख लीजिए, उनको याद रख लीजिए। डायमंड एंड हार्ट इजीली याद रह जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है स्पैड और क्लब में। इसके अलावा आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो जैक, क्वीन और किंग लिखा हुआ है। किंग सबको पता होता है, बादशाह बोलते हैं, क्वीन बेगम या रानी, जैक यानी गुलाम, बराबर। तो उसको ये तीनों हैं वो फेस कार्ड हैं। बाकी आप 2 से लेकर 10 तक देखेंगे तो वहां पे कहीं पे चेहरा नहीं छपा होता है। और जो इक्के को हम बोलते हैं एस, मैंने वहां पे लिखा हुआ है ऊपर, ए के ऊपर देखेंगे तो एस लिखा हुआ है। सो ये नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चाहूंगा आप यहां को वीडियो को थोड़ा सा पॉज रख दीजिए और इन कार्ड्स को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, डायमंड, हार्ट, स्पैड, क्लब। उसमें से फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो किंग का, क्वीन का, जैक का, एस यानी इक्के, ये मेन चीज है। नाउ हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा था कि किंग ऑफ रेड कलर। अब किंग ऑफ रेड कलर देखा जाए तो किंग टोटल 4 होते हैं, उनमें से 2 ब्लैक के होंगे, 2 रेड के होंगे। टोटल आउटकम हमारा कितना है? 52। तो व्हाट विल बी माय आंसर? यस, 2/52, यानी इसको मैं रिड्यूस करूंगा तो आंसर हो जाएगा 1/26। देन सेकंड था गेटिंग अ फेस कार्ड। अब मैंने आपको पहले ही बताया यहां पे फेस कार्ड कितने हैं, जो चेहरे वाले। तो चेहरे वाले किंग के होते हैं, क्वीन के होते हैं और जैक के होते हैं। अगर तीनों के 4-4 ले लें तो कितना हो जाएगा? 12 कार्ड्स हो जाएंगे मेरे पास। अब आंसर क्या हो जाएगा? 12/52, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। रिड्यूस करने के बाद आंसर हो जाएगा 3/13। 4 की टेबल से हमने काटा तो 12 कटा 4 3 जा और नीचे 4 13 जा। देन थर्ड क्वेश्चन था गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर वाले फेस कार्ड चाहिए सिर्फ, तो सीधी सी बात है क्या होंगे? 2 किंग के होंगे, 2 क्वीन के होंगे और 2 जैक के होंगे। तो मेरे पास टोटल ऑप्शंस फेवरेबल आए 6, टोटल है 52, तो 6/52, तो आंसर इज वंस अगेन आफ्टर रिड्यूसिंग 3/26, क्योंकि 2 की टेबल वहां पे लगी। फोर्थ क्वेश्चन उनका था गेटिंग अ कार्ड ऑफ जैक ऑफ हार्ट, यानी कि जैक होना चाहिए वो भी हार्ट का। तो ऐसा सिर्फ एक ही होगा, वैसे जैक 4 होते हैं लेकिन हार्ट का सिर्फ एक ही होता है। दैट्स व्हाई माय आंसर इज 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन था गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पैड। अब हम देखें तो स्पैड के पूरे एस होगा, फिर 2 से लेकर 10 तक के होंगे और किंग, क्वीन और जैक होगा, यानी टोटल मिला के आप देखेंगे तो 13 कार्ड्स होंगे कोई भी सूट्स के, चाहे वो डायमंड के हों, चाहे वो हार्ट के हों, स्पैड के हों, या फिर यस चौथा नंबर क्या था याद कीजिए, इट वॉज क्लब। तो इन चारों में से
कोई भी हो, हर एक के कितने होंगे 13। सो यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की तो 13/52 इट विल बी 1/4 आफ्टर रिड्यूसिंग। लास्ट क्वेश्चन इज गेटिंग अ क्वीन कार्ड ऑफ डायमंड। क्वीन वैसे चार होती हैं, लेकिन यहां पे डायमंड की पूछ रहा है तो वो एक ही होगी, तो आंसर इज वंस अगेन 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा इस सम को रिवाइंड करके जरूर देख लें, क्योंकि लेंथी भी था और थोड़ा न्यू भी था। नाउ सम नंबर 15, 5 कार्ड्स, वंस अगेन कार्ड्स का ही है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड वर वेल शफल विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड, उनमें से एक कार्ड रैंडमली उठाया जाता है। क्वेश्चन पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि उनमें से जो कार्ड होगा मैंने उठाया उनमें से वो क्वीन होगा। सेकंड है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकल गई उसको मैंने साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप इज, यानी अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्वीन निकल गई बाकी बचे हुए कार्ड में से जो निकलेगा क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस निकलेगा और दूसरा कि वो क्वीन निकलेगा। तो सबसे पहले जो 5 कार्ड दिए मैंने यहाँ पे आपके लिए वहाँ पे शो किए हैं, 10 का है, जे का है यानी जैक का है, क्वीन का है, किंग का है और एस है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 5। लेट द इवेंट ए इज गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ क्वीन, तो क्या हो जाएगा, क्वीन का तो एक ही कार्ड है यानी 1/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले उसने जो सवाल में ट्विस्ट किया वो हमें ध्यान रखना है, रिमेनिंग टोटल आउटकम्स, अब क्वीन निकल चुकी है तो बाकी कार्ड्स कितने बचे 4, यस 5-1 4। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसने कहा कि वो एस हो, अब एस भी वहां पे कितना है एक ही है तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। दूसरा उसने क्या बोला कि हो सकता है वो क्वीन हो फिर से, अब क्वीन तो पहले ही निकल चुकी है तो क्वीन वापस आने की संभावना नहीं है, इट मींस क्या हो जाएगा 0/4 यानी आंसर 0, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट स्टूडेंट्स। आज के लास्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूं कि वीडियो मेरा 20 या 25 मिनट से ज्यादा नहीं हो ताकि बच्चे बोर ना हो, और इतना तो स्टूडेंट्स आपको लॉकडाउन के पीरियड में स्टडीज करनी ही पड़ेंगी, ध्यान देना ही पड़ेगा। सो नाउ लास्ट नंबर सम इज सम नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, एक दुकानदार है बाय मिस्टेक अचानक एक दिन बॉक्स में 132 पेनें अच्छी पड़ी थी, लेकिन 12 जो डिफेक्टिव पेन्स उसने अलग करके रखी थी कॉन्स्टेंटली उसमें मिक्स हो गई, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, सिर्फ पेन को देख के बताना बहुत मुश्किल है कि उनमें से जो पेन है वो डिफेक्टिव है या अच्छी वाली है। वन पेन इज टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉम दिस लॉट, अब कोई बच्चा वहां पे आता है और उससे दुकानदार से एक पेन मांगता है, अब उसमें वो पेन उठाता है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, अब वो पेन अच्छी वाली होगी इसकी संभावना कितनी होगी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे टोटल आउटकम, यहां पे बच्चे क्या करते हैं 132 बड़ा फिगर देख के 132 को अपना टोटल आउटकम समझ लेते हैं, नहीं हमारा टोटल आउटकम क्या होगा 132 तो अच्छी वाली थी उसमें जो 12 मिक्स हो गई उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा यानी टोटल आउटकम हो जाएगा 144, यस उसमें से अच्छी वाली कितनी है 132। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है द पेन सिलेक्टेड इज अ गुड पेन, तो गुड पेन्स कितनी थी 132, टोटल्स कितना हुआ 144, जब मैं इसको रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 11/12। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नीचे लिंक्स में हमने होमवर्क दिए हुए हैं और होमवर्क हम ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ 10 सम ही देते हैं, तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट कीजिए और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ 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 बी एट होम एंड बी सेफ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।